हिंदू धर्म के अंदर पूजा पाठ को लेकर कई नियम बनाए गए हैं। शास्त्रों में उन सभी बातों का विशेष महत्व है जो पूजा या पूजा स्थल से जुड़ी हुई हैं। पूजा करते समय अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जमीन पर बैठकर पूजा करते हैं, लेकिन धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। पूजा स्थान में पूजा करते समय आसन बिछाकर उस पर बैठकर पूजा पाठ करना चाहिए। पूजा में आसन का विशेष महत्व है और उससे जुड़े कुछ खास नियम भी हैं। शास्त्रों में अलग अलग रंग के आसनों पर विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार लाल रंग के आसन पर हनुमान जी और माँ दुर्गा जी की पूजा करना सबसे अच्छा माना जाता है। इसके साथ ही कम्बल या ऊनी आसन बिछाकर पूजा करना सबसे उत्तम माना जाता है। आइए जानते हैं पूजा में आसन का क्या महत्व है और इससे जुड़े क्या नियम हैं। पहले आपको बताता हूं आसन का धार्मिक महत्व। शास्त्रों के अनुसार पूजा में बिछाए जाने वाले आसन का विशेष महत्व माना गया है। धर्म शास्त्रों की माने तो आसन दो प्रकार के होते हैं। जिसमें भगवान को बिठाया जाता है उसे धर्वासन कहा जाता है, और दूसरा वो जिस पर भक्त बैठकर ईश्वर की आराधना करता है उसे आसन कहा जाता है। मान्यता है कि भक्तों को कभी भी जमीन पर बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि लकड़ी की चौकी, घास फूस से बनी चटाई, पत्तों से बने आसन या किसी कपड़े के आसन पर बैठकर पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से भक्त एकाग्र होकर ईश्वर के ध्यान में लीन हो सकते हैं। अब आप आसन का वैज्ञानिक महत्व भी सुनिए। आसन पर बैठकर पूजा करने के पीछे धार्मिक ही नहीं वैज्ञानिक महत्व भी है। दरअसल पृथ्वी में चुंबकीय बल यानी गुरुत्वाकर्षण है। जब कोई व्यक्ति विशेष मंत्रों का ध्यान और जप करता है तो उसके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यदि आपने कोई आसन नहीं रखा तो ये ऊर्जा पृथ्वी में समा जाती है और आपको कोई लाभ नहीं मिलता है। इसलिए पूजा के समय आसन बिछाना जरूरी माना जाता है। अब हम आपको आसन के नियम बताते हैं। पूजा करते समय कभी भी दूसरे व्यक्ति के आसन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आसन इस्तेमाल करने के बाद उसे उठाकर वापस रख दें, इधर उधर ना छोड़ें। पूजा के आसन को हमेशा साफ हाथों से उठाकर सही दिशा में लगाना चाहिए। पूजा करने के बाद आसन से सीधे ना उठें। सबसे पहले आचमन से जल लेकर भूमि पर चढ़ाएं और भूमि को प्रणाम करें। पूजा स्थल के आसन का प्रयोग किसी अन्य कार्य में ना करें। अपने इष्ट देव की पूजा करने के बाद पूजा के आसन को उसके सही स्थान पर रखें। कई लोगों के मन में ये भी प्रश्न आता है कि क्या पूजा अनुसार आसन का चयन करना चाहिए, तो इसका उत्तर सुन लीजिए। हर पूजा का अपना विशेष महत्व है। पूजा के आधार पर ही आसनों का चयन करना चाहिए। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार कुशा नामक घास को भगवान के शरीर से उत्पन्न माना जाता है। कहते हैं कि इस आसन पर बैठकर जो भी साधक आराधना करता है उसे सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। यदि कोई भी साधक मंत्र सिद्धि की प्राप्ति करना चाहता है तो इसके लिए कुशा का आसन इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन घरों में पूजा के दौरान कम्बल के आसन का प्रयोग करना उत्तम माना जाता है। माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, हनुमान जी आदि की पूजा के लिए लाल रंग का कम्बल सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो ये था पूजा पाठ में आसन का महत्व। जय सिया राम। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।